राधा कृष्णन जी जिनकी जयंती के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, वो आम शिक्षक नहीं थे कि वो न सिर्फ भारत के राष्ट्रपति हुए बाद में, बल्कि ही वॉज द फाइनेस्ट ऑथर। उनकी किताब इंडियन फिलोसफी, मतलब पूरी दुनिया में, कि भारत की अगर कोई पहचान है किसी मतलब किताब के बारे में, तो भारत के बारे में कोई जानना चाहता है विदेशी तो क्या कहता है, राधा कृष्णन किताब पढ़ता है इंडियन फिलोसफी। और उस पुस्तक की प्रस्तावना में उन्होंने जो वेस्टर्न थिंकिंग है और इंडियन थिंकिंग है उसके बारे में उन्होंने बताया कि भारतीय जो है चिंतन क्यों अलग है और पाश्चात्य चिंतन क्यों अलग है। राधा कृष्णन जिन्होंने भारतीय मनीषा को, भारतीय चिंतन को, भारतीय दर्शन को नई पहचान दिलाई जो विश्व स्तर पर, तो उनके जयंती के उपलक्ष्य में हम सब एकत्र हुए हैं। टीचर शुड बी लाइक ए टीचर। आप सबने रखा कि शिक्षा व्यवस्था में कमी है, आप सबने गांधी को बताया, राजा राम मोहन राय जी को बताया, दयानंद जी को बताया, सबने प्रिंसिपल की बात की, सबने ये कहा कि परिस्थितियों में पढ़ते थे लोग, सबने ये कहा कि एक समाज निर्माता होना चाहिए। आपने देखा है, मैं भी इसी बात को कहता हूँ क्योंकि मेरा एक बेटा है 4.5 साल का, उसका नाम दक्ष है, तो मैं जब उसके साथ खेलता हूँ तो वो हम कभी कभी कहते हैं कि IAS अकेडमी चलाते हैं, तो कहेगा मैं तो IAS अकेडमी बनूंगा, कभी मोबाइल में देख ले तो कभी कहेगा मैं तो गोलगप्पे बेचूंगा, क्योंकि मैं शुरू से IAS बनना चाहता था। मेरा शुरू से ये प्लान था कि मैं IAS बन के जो सरकार की नीतियां हैं उनको जनता तक पहुंचाने का काम करूंगा, लेकिन परिस्थितियां रही बहुत सारी जिनकी वजह से मैं वहां नहीं पहुंच पाया। तो वो सपने मैं अपने छात्रों में देखता हूं, लेकिन खास बात मैं ये बताना चाहता हूं, हम लोग राउंड टेबल पर बैठ के ये बहुत सारी बातें कहते हैं, उनके विचारों को एक उनके विचारों के आधार पर हमको करना चाहिए। ये देखो, प्रिंसिपल बताना और ये कहना ये छोटी बात है, ये आसानी से हम कह देते हैं, लेकिन उसको व्यवहार में लाना, टीचर शिक्षक और गुरु ये सब में बहुत अंतर है। चूँकि हम भारत जैसे ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर बहुत सारे फिलोसफर हुए, बहुत सारे बड़े बड़े ज्ञानी हुए, उनमें हम दो चार नाम प्रमुखता से भी आधुनिक भारत में देख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, स्वामी दयानंद हैं, राजा राम मोहन राय हैं, ये एक मूलतः एक शिक्षक ही मैं कहता हूँ उनको, क्योंकि उस समय जो देश में परिस्थितियाँ थीं, जिस समय पूरा देश अंग्रेजों के चंगुल में या मुगलों के उसमें तो था ही, लेकिन उस समय हमारा देश जो है भिन्न भिन्न प्रकार की रूढ़ियों से ग्रसित था। उसमें सती प्रथा हम ले सकते हैं, बाल विवाह ले सकते हैं, ठग प्रथा हम ले सकते हैं, कई सारी चीज़ें उसमें। उस काल में स्वामी विवेकानंद जी ने, स्वामी दयानंद जी ने, राजा राम मोहन राय ने एक बीड़ा उठाया कि हम भाई समाज को शिक्षित करेंगे। समाज को कैसे शिक्षित करेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति होता है तो उसका एक सीमित दायरा होता है, वो सीमित दायरे में ही काम कर सकता है। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे, जैसे अपने राजा राम मोहन राय उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, अपने स्वामी विवेकानंद उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, और उसके माध्यम से उन्होंने पूरे देश में इस चीज़ को फैलाया कि भाई हम रूढ़ियों से मुक्त हों, हम थोड़ा साइंटिफिक वे में जाकर सोचना प्रारंभ करें। और साइंटिफिक वे में जाकर सोचना प्रारंभ हम तब करेंगे जब हम शिक्षा के आसपास आ पाएंगे। वर्ष में अगर कहीं भी कोई रिक्तियां निकलती हैं या रोजगार पर होने के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं विभिन्न गुरुओं के माध्यम से या विभिन्न कोचिंग सेंटर्स के माध्यम से या विभिन्न स्कूलों के माध्यम से, रोजगार पर होना मुख्य उद्देश्य जो शिक्षक का और जो शिष्यों का बन गया है कि केवल और केवल रोजगार परक हो जाना और उसके बाद वो चीज़ें अपने अंतिम पायदान की वस्तु बन गई है। मेरा ये मानना है कि अगर अविरल धारा अगर इसको ना चलाता, अगर भारतवर्ष में किसी रोजगार के लिए 100 रिक्तियां निकली, अगर उसकी तैयारी बालक अविरल धारा से ना करता, कहीं और से करता या स्वयं करता, ये 100 रिक्तियां अगर हम कोचिंग सेंटर ना भी चला रहे होते या ये निःशुल्क शिक्षा ना भी चल रही होती तो ये 100 रिक्तियां 100% भरी जाती। और कुछ बदला है शिक्षा जगत में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई अप्लाई हुई है, उसके हिसाब से बहुत कुछ चेंज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मेरा मानना है कि पहले बेसिक चेंजेस हमारे यहाँ होना जरूरी है,
क्योंकि हमारे यहाँ अभी जो मूलभूत सुविधाएं हैं अभी बच्चों को वही नहीं मिल पा रही है, और जो हम उसमें ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं वो कैसे मिलेगा। अगर आप गांव के बच्चों को देखें तो गांव में वो सुविधाएं स्कूल में नहीं है, इसीलिए आज की डेट में हम कंपैरिजन करते हैं सीबीएसई स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स को। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में वो सुविधाएं नहीं होती, वरना हर आदमी अपना गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा रहा होता बच्चे को। फीस सबको नहीं देनी है, लेकिन ज्यादा फीस देते हुए भी गांव का आदमी भी बाहर भेजने को तैयार है। तो हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी बदलती, बहुत जरूरी था कि बदलाव हो, लेकिन पहले हमारे पास वो सारी चीजें मौजूद हों जो किसी भी स्कूल में बच्चे को शिक्षित करने के लिए जरूरी है। जो भी अभी आपने इतने अच्छे अच्छे विचार सभी लोगों ने रखे हैं कि मैं केवल माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से एक कुछ बातें कहना चाहूंगी। जैसा कि अभी मैडम ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा में बड़ी अजीब स्थिति है सर, वहां पर जो कहा जाता है कि हमारे पास संसाधन पूरे हैं, संसाधन पूरे नहीं है जैसा कि कहा जाता है। वो बिल्कुल कुछ चीजें तो बिल्कुल सही है, बेसिक शिक्षा में सर सुधार हो रहा है, बेसिक शिक्षा में संसाधन दिए जा रहे हैं बच्चों को, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो आपने अभी बात कही कि हमारे यहाँ बच्चे वही पढ़ने जाते हैं जो आसपास के परिवेश के होते हैं। गांव के क्षेत्र में सर जितने भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं वो बच्चे वही बच्चे होते हैं जिनके घरों में मजदूरी भी वही बच्चे कर रहे हो, माने उन्हें आदमी नहीं मिलता, वो लोग काम कराने के लिए भी अपने बच्चों को ले जाएंगे। जब उनके यहाँ कोई भी कार्य होगा, चाहे वो खेती से संबंधित कार्य हो या मजदूरी से संबंधित कार्य हो, तो बच्चे डेफिनेटली मिड डे मील की वजह से वहाँ एडमिशन लेते हैं। लेकिन टीचर्स पूरा वेल एजुकेटेड वेल ट्रेन टीचर्स वहाँ पर मौजूद हैं और वो बहुत अच्छे से अपनी कोशिश करते हैं, लेकिन उनका गार्जियन आके जब उस बच्चे को कहता है कि अभी हमें ले जाना है इसको और हमारे यहाँ ये काम हो रहा है और ये पढ़ लेगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, तो हम ऐसे बच्चों को उनकी जो घर पे जाकर के परवरिश है ना वो इस माहौल में नहीं होती कि बच्चे पढ़ें। वहाँ कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, छोटे छोटे बच्चों की बात अभी मैं कर रही हूँ, कि छोटे बच्चों की ये स्थिति होती है कि घर के कार्यों में उनको लगा दिया जाता है ज्यादातर परिवारों में। माध्यमिक शिक्षा में सर फिर वही बच्चे हमारे यहाँ जब सिक्स में आते हैं या जूनियर से नाइन्थ में आते हैं, तो मैंने खुद अनुभव किया है क्योंकि वहाँ पर बच्चों को सीधे सीधे एक सेंटेंस लिखना नहीं आ रहा है। अब उनको आप या तो बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाइए तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिलेबस आपके सामने है, या आप उनको इस तरीके से बताएं कि आपने भाई एट तक का तो कम से कम उनको आना चाहिए। आप पाइथागोरस प्रमेय की बात कर रहे थे अभी, तो पाइथागोरस प्रमेय तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है, जो सीधे सीधे कोणों की आकृति नहीं बता पाते बच्चे, तो हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं उस समय पे कि हम इनको किस तरीके से पढ़ाएं। लेकिन शिक्षा का जो मूलभूत हमारी शिक्षा देना एक बिल्कुल सही बात है कि शिक्षा एक अलग चीज हो जाती है, लेकिन बच्चे संस्कारित करना बहुत जरूरी है। शिक्षा तो बच्चे पढ़ के करते हैं, चाहे वो ट्यूशन पढ़ते हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि शिक्षा देने का अर्थ यही है कि बच्चा इतना संस्कारवान हो जाए कि एक अच्छा नागरिक बन सके, वो जीवन में जीने की वो आज़ादी आ जाए उसको, कि उसके अपने एक विचार इस तरीके के हों कि वो एक अच्छा नागरिक बन के अपना जीवन यापन कर सके, ना कि इस तरीके का कि केवल नौकरी ही करनी है। हो सकता है कोई बहुत बड़ा व्यापार कर ले वो बच्चा, हो सकता है कि वो कहीं और फील्ड में जाना चाह रहा है वो वहाँ चला जाए, लेकिन उसकी अपनी अभिव्यक्ति जो है इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो अपनी बात को कहीं रख सके। एजुकेशन में छात्रों की संख्या में गिरावट आना, बेसिक एजुकेशन अच्छी ना होना, सरकार बहुत प्रयास कर रही है, ऐसा नहीं सरकार प्रयास नहीं कर रही, टीचर्स की नियुक्ति नहीं हो रही, सारे ट्रेंड टीचर आ रहे सर, समस्या ये है कि टीचर्स और पेरेंट्स के बीच का जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं, क्योंकि टीचर्स जो है पूरा क्लासरूम में क्रिएटिविटी ऐड नहीं कर रहा, न्यू इनोवेशन नहीं कर रहा, रेस्पॉन्सिबल नहीं है अपने दायित्व के प्रति, स्कूल का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, सारे गांव वाले बेसिक स्कूल को देखते हैं, स्कूल गांव के बाहर होता है, कर यार ये तो यहाँ चल रहा है, टीचर्स 10 बजे आ रहे, उधर 12:30 बजे बाहर आ रहे, तो सर ये जो चीजें हैं कि आपको सामंजस्य पेरेंट्स के साथ बिठाना पड़ेगा, वहां पे जो प्रिंसिपल नियुक्त हुआ है अच्छा मैनेजमेंट वहां सेट करना पड़ेगा, टीचर्स को नई क्रिएटिविटी ऐड करनी पड़ेगी, पेरेंट्स को ये मैसेज देना पड़ेगा कि बेसिक एजुकेशन में अच्छी एजुकेशन हम दे रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला।
निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।